25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले पूरे 49 साल हो जाएंगे, जिसको लेकर बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जंटुता में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले पूरे 49 साल हो जाएंगे, जिसको लेकर बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झंडूता में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। झंडूता में आयोजित पूर्ण राज्यत्व दिवस कार्यक्रम के दौरान जहाँ पुलिस बल की टुकड़ियों सहित NSS व NCC के छात्रों की टुकड़ियां भी मुख्यमंत्री को मार्च पास्ट की सलामी देंगी, तो साथ ही प्रदेश की विभिन्न संस्कृतियों को पेश करती लोक नृत्य व गीतों की भी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर IGC मंडी N वेणुगोपाल ने परेड स्थल पर पहुंचकर फुल ड्रेस परेड रिहर्सल का निरीक्षण किया। वहीं इस मौके पर SP बिलासपुर साक्षी वर्मा और ADM बिनी धीमान भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए SP साक्षी वर्मा ने बताया कि 25 जनवरी को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे, जिसको लेकर परेड संबंधी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जबकि कार्यक्रम के दौरान जगह जगह पार्किंग व्यवस्था के उचित प्रबंध कर लिए गए हैं। साथ ही झंडूता बाजार से लेकर कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के इलाकों में भी यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, जिसको लेकर अन्य जिलों से भी पुलिस फोर्स मंगवाई जा रही है, ताकि कार्यक्रम का शांतिपूर्ण तरीके से सफल आयोजन किया जा सके। आज जो है 25 जनवरी के जो मेरा प्रोग्राम हो रहा है स्टेट टू डे का, उसके निरीक्षण की तैयारी के निरीक्षण के लिए आज आगे सर आए थे, तो उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक कनेक्शन किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी ली है। 25 जनवरी के दिन हम लोग ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए कुछ चिन्हित पार्किंग स्पेसेस रखेंगे और स्पेसिफिक ड्रॉपिंग पॉइंट है हमारा, जो कि यहाँ पे चौक है वहाँ पे ड्रॉपिंग पॉइंट रहेगा। उसके बाद जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे लाइट हैं चाहे हैवी हैं, उनको पार्किंग प्लेसेस जो चिन्हित की गई हैं वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। पार्किंग नहीं की जाएगी जो जगहें डेजिग्नेटेड हैं। उसके अलावा हमारे जो ये रूट है टूवर्ड्स द स्कूल, उसमें ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए भी डिफरेंट पॉइंट्स लगाए गए हैं, ताकि जो स्मूथ मूवमेंट हो सके जब सारा मूवमेंट हमारा होगा यहाँ पे अपने हिसाब का मूवमेंट होगा। इसके अलावा हमारा लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने फोर्सेज बाहर से भी मंगाई हैं, हमारी डिफरेंट बटालियन से पंडो बनगढ़ और बसों से रिजर्व्स आ रही हैं और ज़िले की पुलिस भी इसमें तैनात है, तो इस तरह की अरेंजमेंट्स हैं।